हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं धीरेंद्र सर आज क्लास 10 के छात्रों के लिए जैक द्वारा जारी मॉडल सेट में टॉपिक रिमूव 2 से जितने भी संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, आज मैं उन क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों के साथ काम करने वाला हूं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया था कि जैक ने जो मॉडल सेट 4 आप लोगों के लिए जारी किया है, उसमें जितने भी ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगा एक्सप्लेनेशन सहित। उसी के तहत आज मैं रिमूव 2 का टॉपिक लेकर आपके बीच आया हूं। तो बच्चों, आप लोग ध्यान दोगे, अभी लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए वॉयस का बनाया था और निश्चित रूप से आप लोगों ने उस वीडियो को काफी एंजॉय किया होगा और मुझे उम्मीद है कि वॉयस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अब एग्जाम में आएंगे, निश्चित रूप से आप उसको सॉल्व करने में सफल होंगे। तो चलिए, अब मैं आपको रिमूव 2 की ओर ले चलता हूं। ऐसे तो रिमूव 2 को डिटेल से मैंने अपने YouTube चैनल पर पढ़ाया है, वहां से जाकर के आप वीडियो को खोज सकते हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता देना चाहूंगा। उसके बाद मॉडल सेट में जितने भी रिमूव 2 के क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेनेशन सहित आपके सामने सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि रिमूव का मतलब होता है हटाना और TOO का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा अधिक। यानी रिमूव 2 में हम लोग TOO को हटाते हैं और TOO का नेगेटिव अर्थ होता है। तो मोटा मोटी एग्जाम में आप लोग सॉल्व करने के लिए रिमूव 2 के मात्र 3 फंडामेंटल रूल्स को ध्यान में रखेंगे। बड़ा इजी करके मैं आपको रिमूव 2 समझा रहा हूं। एक चीज आप यह भी ना भूलें कि 2 का जो शाब्दिक अर्थ है वह भी होता है और भी का अंग्रेजी ऑल्सो भी होता है। यह भी जानना जरूरी है क्योंकि एक मॉडल सेट में इससे संबंधित क्वेश्चन भी दिया गया है। जब मैं मॉडल सेट को सॉल्व करूंगा तब मैं आपसे बात करूंगा। तो फिलहाल आप यह जान लें कि 2 का मतलब भी होता है और भी का अंग्रेजी ऑल्सो भी होता है। तो रिमूव 2 की अगर मैं बात करूं और अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तो पहले मैं एग्जाम्पल देकर के आपको समझाता हूं कि मान लिया जाए, यह एक एग्जाम्पल है, राम इज 2 वीक टू वॉक। ध्यान देंगे बच्चों, रिमूव 2 का मैंने नाम दिया है, याद रखिएगा, मैंने नाम दिया है ताकि बच्चों को और भी इजी हो जाए, रिमूव 2+2। यानी आप गौर करोगे कि रिमूव 2 में आपको जनरली 2 मिलेगा और ये दोनों 2 को हमें हटाना है, इसलिए मैंने अपने तरफ से इसका नाम दिया है रिमूव 2+2। एक डबल वो वाले 2 और एक सिंगल वो वाले 2। वेरी क्लियर। तो यानी आपको ये 2 हटाना है रिमूव 2 को चेंज करते वक्त। चलिए अब हम लोग रूल वाइज देखें। पहला रूल को आप समझेंगे, 2+2 को 100+ में बदल देते हैं। ध्यान रहे बच्चों, वेरी इजी तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं और अगर आप मेरी वीडियो को शुरू से अगर लास्ट तक बढ़िया से वॉच करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू रिमूव 2 इन योर एग्जाम। एग्जाम में रिमूव 2 से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप सॉल्व कर पाओगे। तो पहला काम क्या करना है, 2+2 को 100+ में बदल देंगे।
वेरी इजी। यानी रिमूव टू को जब आप चेंज करोगे तो सबसे पहले दोनों टू को आप हटाओगे, और इस टू को जहां आप हटाओगे उसके जगह आप सो दे दोगे, और इस टू को जहां आप हटाओगे उसके जगह आप दैट दे दोगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी काम को कर लेते हैं, यानी इस टू के जगह सो और इस टू के जगह दैट। बाकी आप वाक्य में दिए हुए सारे शब्द को उतार दें, यानी राम इज सो वीक दैट। इतना दूर तक आपका काम हो गया। वेरी क्लियर, रूल नंबर वन क्लियर हो गया होगा कि रिमूव टू में सबसे पहले आप दोनों टू को हटाओगे, टी डबल ओ को जहां हटाओगे उसके जगह सो दे देना, और सिंगल वो वाले टू को जहां हटाओगे उस जगह दैट दे देना, और वाक्य में उतना दूर तक जो वर्ड है उसको ज्यों का त्यों आप उतार देंगे। क्लियर हो गया। सेकेंड रूल नंबर टू, दैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार एक और सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, यानी एक और सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसी जगह थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। इस जगह गौर करेंगे, जब प्रोनाउन की बात हो तो आई वी यू ही सी इट और दे। गौर करना बच्चों, यहां क्या कहता कि दैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार एक और सब्जेक्ट देंगे, यानी वाक्य में ऑलरेडी हमारा एक सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा। तो पहले आप सब्जेक्ट को समझ लीजिए। यदि वाक्य का सब्जेक्ट सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अगर वाक्य का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो जनरली यही सात प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ध्यान देंगे, अगर प्रोनाउन कोई सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में रहे तो दैट के बाद जो आप सेकेंड सब्जेक्ट का प्रयोग करोगे वो आप ज्यों का त्यों यूज कर दोगे। गौर करोगे, वो आप यानी अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में रहे तब आपको कुछ नहीं करना है, जो वाक्य में सब्जेक्ट रहेगा वही आप ज्यों का त्यों यूज कर दीजिएगा। अगर यहां ही सी इट वी यू दे कुछ भी रहता तो हम यहां वही लगा देते, लेकिन ध्यान यहां देना है, अगर वाक्य का सब्जेक्ट कोई नाउन हो तब आप सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में ज्यों का त्यों नहीं उतार सकते हैं। तब क्या करेंगे, तो याद रखिएगा, वाक्य का सब्जेक्ट अगर नाउन हो तो दुनिया के सारे नाउन को प्रोनाउन की दृष्टिकोण से तीन भागों में डिवाइड किया गया है। याद रखिएगा, अगर वाक्य का नाउन कोई बॉय हो, यानी लड़का या बड़का, तो उसके लिए आप सब्जेक्ट यूज करोगे ही। अगर कोई गर्ल हो यानी लड़की या बड़की हो तो सी अन्य के लिए, इट और प्लुरल के लिए दे। गौर करोगे जरा, इस जगह समझना जरूरी है। ये समझ गए तो फिर आपका आधा काम हो गया। ध्यान रहे,
अगर वाक्य का सब्जेक्ट प्रोनाउन ना होकर के कोई नाउन हो तो निश्चित रूप से ये तीन प्रकार का नाउन होगा, या तो पुरुष का बोध होगा यानी पुरुष जाति का बोध होगा, या स्त्रीलिंग स्त्री का बोध होगा, या फिर अन्य का बोध होगा। बॉय का मतलब जितने भी पुरुष जाति का बोध हो, चाहे फादर हो, चाहे अंकल हो, चाहे राम हो, श्याम हो, घनश्याम हो, कोई भी हो, तो उसके लिए सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में आप ही का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य के सब्जेक्ट से किसी स्त्री का बोध हो, यानी कोई लड़की या बड़की महिला का बोध हो, सिस्टर हो, मौसी हो, मदर हो, तो उसके लिए आप सी लगाएंगे। और आदमी को छोड़कर के अगर वाक्य का सब्जेक्ट कोई और रहे, यानी डॉग रहे, कैट रहे, या कोई भी चीज रहे, तो उसके लिए आप जनरली ईट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वाक्य का सब्जेक्ट ऐसा कोई नाउन हो जो प्लुरल हो, यानी बॉयज हो, गर्ल्स हो, डॉग्स हो, यानी अगर कोई नाउन प्लुरल हो, तो उसके लिए सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में आप दे का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब अगर वाक्य का सब्जेक्ट कोई नाउन हो तो दो नंबर रूल को अप्लाई करने के लिए सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में दैट के बाद या तो आप ही लगाएंगे, या सी लगाएंगे, या इट लगाएंगे, या दे लगाएंगे। वेरी क्लियर। तो आप यहां क्या देख रहे हो, राम। तो राम कोई लड़का है तो उसके लिए हम सब्जेक्ट क्या लगा दिए, सेकेंड सब्जेक्ट ही लगा दिए। कोई दिक्कत, समझ में आई बात कि नहीं, कि 2+2 को सो प्लस दैट में बदलने के बाद, दैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार एक और सब्जेक्ट देंगे। यानी एक ऑलरेडी वाक्य में एक सब्जेक्ट हमारा दिया हुआ रहेगा, तो अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तब तो दैट के बाद सेम टू सेम वही लग जाएगा, लेकिन अगर नाउन हो तो ही, सी, इट या दे अकॉर्डिंग टू नाउन आप यूज कर लोगे। तो यहां राम था तो हमने ही दे दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 3, सेकेंड सब्जेक्ट के बाद अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस यानी इज एम आर रहे, इज एम आर रहे यानी प्रेजेंट टेंस में हो, तो कैन नॉट और पास्ट टेंस यानी वाज वेयर रहने पर कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। वेरी क्लियर। तीसरे नंबर रूल में आप क्या करोगे, अगर वाक्य में इज एम आर रहेगा तो सेकेंड सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इज एम आर अगर रहेगा तो कैन नॉट लगा दीजिएगा, और वाज वेयर अगर रहेगा तो कुड नॉट लगा दीजिएगा। वेरी सिंपल। उसके बाद क्या है, तथा सेंटेंस में बाकी बचे हुए वर्ड्स को ज्यों का त्यों रख देते हैं, यानी यहां इज है तो हमने कैन नॉट लगा दिया, अब बाकी बचा क्या, वाक, तो हमने वाक को उतार दिया। समझ में आ गई होगी बात। मैं चाहूंगा एक बार आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं कुछ चीजों को मिटा सकूं। तो बहुत सिंपल है, मैंने पहले आपको रिमूव टू को समझाने का प्रयास किया कि 2+2 को सो प्लस दैट में बदल दीजिएगा, दैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार एक और सब्जेक्ट लगा दीजिएगा। तीसरा में क्या है, सेकेंड सब्जेक्ट के बाद अगर वाक्य में इज एम आर रहे तो कैन नॉट लगा दीजिए, वाज वेयर रहे तो कुड नॉट लगा करके बाकी बचे हुए शब्द को ज्यों का त्यों उतार देंगे। एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे अगर एग्जाम्पल रहे बॉयज वेयर टू फैट टू डांस, है ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस टू दोनों को घेर करके आप पहले उतारोगे बॉयज वेयर का वेयर दोगे, इस टू के जगह सो दोगे, फैट का फैट लिखोगे, इस टू के जगह दैट लगाओगे, यानी पहला नंबर आपने रूल का प्रयोग कर लिया। सेकेंड रूल दैट के बाद क्या करोगे, सब्जेक्ट के अनुसार एक सब्जेक्ट, ध्यान दोगे यहां बॉयज है और बॉयज प्लुरल है,
इसलिए प्लुरल के लिए मैंने क्या कहा था, आप सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में दे लगा दोगे। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर वाक्य में वाज या वेयर रहे तो सेकेंड सब्जेक्ट के बाद कुड नॉट का प्रयोग कर देंगे, बाकी बचे हुए शब्द को ज्यो का त्यों उतार देंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सिंपल है रिमूव टू, और आप रिमूव टू को समझ गए होंगे। अब मैं मॉडल में दिए गए सारे क्वेश्चन को एक एक करके आपको सॉल्व करता हूं और दिखाता हूं कि कितना आसान से आप एग्जाम में रिमूव टू को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए अब सेट वाइज क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं और देखिए आप कितना आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो सेट नंबर वन में आपका क्वेश्चन दिया गया है 31 नंबर में। ध्यान रहे बच्चों, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूं, आप तभी इंजॉय कर पाएंगे मेरी क्लास को जब आपके पास एक से चारों सेट होगा। किसी भी कंप्यूटर के दुकान में आप एक से चार सेट निकलवा जरूर लेंगे, मुश्किल से 30 से 40 रुपया लगेगा, उसको आप निकलवा लीजिएगा तब आप, और इतनी अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम में आप निश्चिंत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, सेट नंबर वन में क्वेश्चन है, यू आर टू लेजी टू वर्क। अब चलिए कैसे बनाएंगे आप, तो टू और टू को सो प्लस दैट बदलिए, यानी यू आर सो लेजी दैट। मुझे नहीं लगता है कि यहां तक में कोई दिक्कत हुआ होगा। आपने एक टू को सो में बदल दिया, एक टू को आपने दैट में बदल दिया। अब दूसरा नियम क्या था कि दैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार एक और सब्जेक्ट, ध्यान रहे इस वाक्य का सब्जेक्ट प्रोनाउन है यू, तो हम सेम टू सेम उतार देंगे यू। थर्ड नियम क्या कहता है, सेकेंड सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट, तो इज एम आर रहने पर कैन नॉट, बाकी बचे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों उतार दें। बन गया आपका, यानी यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क। यानी 31 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यानी ए आप टिक लगा दोगे। वेरी गुड, ध्यान रहे बच्चों, रिमूव टू से लगभग दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन अब आप आराम से बना लोगे, पहले आप इस दोनों टू को सो प्लस दैट में बदल दो, यानी ही इज शो फैट दैट, समझ गए होंगे आप। दैट के बाद फिर क्या करना है, सेकेंड सब्जेक्ट का प्रयोग करना है दो नंबर रूल के अनुसार, तो यहां भी प्रोनाउन है तो ही का मैंने ही कर दिया। अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रहे तो कैन नॉट, बाकी बचे हुए शब्द यानी रन बचा हुआ है उसको हम लिख दिए। तो दो नंबर का आंसर आप कैसे बना लोगे, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, वेरी सिंपल। चलिए सेट नंबर टू, ध्यान रहे सेट नंबर वन में जो क्वेश्चन दिया गया था सेम क्वेश्चन सेट नंबर टू में भी दिया गया है, इसलिए इसका भी जो आंसर होगा वो आपका यही होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है। सेट नंबर थ्री, चलिए सेट नंबर थ्री को जब आप बनाओगे फिर वही करना है, टू और टू को सो प्लस दैट में, यानी ही इज सो स्लो दैट, यानी इस टू और इस टू को आपने सो और दैट बदल दिया। सेकेंड रूल कहता है कि दैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार एक और सब्जेक्ट, तो ही है तो हमने ही दे दिया, यानी प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट रहे तब तो कोई टेंशन नहीं है। अब अगर इज एम आर रहे तो कैन नॉट, यानी कैन नॉट, बाकी बचे हुए शब्द को जो का त्यों उतार देंगे, यानी विन द रेस, यानी क्या हो गया, ही इज टू स्लो टू विन द रेस का, ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट विन द रेस। ये सेट नंबर थ्री का 21 नंबर क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द बॉय इज टू टायर्ड टू प्ले. अब तो मुझे लगता है आप लोग बहुत इजी से कोई भी क्वेश्चन बना देंगे. द बॉय इज सो टायर्ड दैट. अब बॉय हो गया, अगर बॉय हो गया तो सब्जेक्ट आप क्या दोगे? डेफिनेटली आप ही दोगे, यानी ही कैन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज है, नॉट प्ले. तो ये आप आंसर बना दोगे, यानी 32 नंबर क्वेश्चन, और सॉरी 32 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट 3 है ना, तो 32 नंबर का ये नंबर का क्वेश्चन है ये. तो द बॉय इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट प्ले. ठीक है, चलिए ऐसे तो आप रिमूव टू ढूंढ ही लेंगे. अब बच गया प्रैक्टिस सेट 4. मैं इसको मिटा देता हूं. अब आप रूल्स को तो निश्चित रूप से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा और समझ भी गया होगा. चलिए मैं सेट नंबर 4 में जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करता हूं. तो सेट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 26, ये हो गया आपका सेट 4. इसमें 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, आई टू वाज प्रेजेंट देयर. ध्यान दीजिएगा, इस जगह थोड़ा सा ट्रिक दिया हुआ है. एक्चुअली में रियल में रिमूव टू नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर टू हटाने के लिए दिया है तो आपको अभी मैंने बताया था टू को हम ऑल्सो में भी चेंज कर सकते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा 26 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दिया हुआ है आई वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर. इसमें कोई रूल का प्रयोग नहीं किया हमने, हमने केवल टू को ऑल्सो में बदल दिया है ना, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया था कि टू का मतलब भी होता है. अब आप कहेंगे कि सर वाज के पहले यहां टू है, यहां आपने वाज के बाद ऑल्सो दिया, तो ये प्लेसमेंट ऑफ वर्ड है. टू हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले लगता है और ऑल्सो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है. इट मीन्स सी इज द राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4 का 32 का ए नंबर, माई अंकल इज टू ओल्ड टू वर्क. ध्यान देना बच्चों, मैंने कहा था कि इसका नेगेटिव अर्थ होता है, मेरे चाचा उतने बूढ़े हैं कि वो काम कर ही नहीं सकते. अगर रिमूव टू को अगर आप मीनिंग से भी समझ जाओगे तो अपने से भी आप ट्रांसलेशन बना सकते हो, यानी इसका आंसर हो जाएगा माई अंकल इज सो ओल्ड, मेरे चाचा उतने बूढ़े हैं कि दैट. अब माई अंकल अगर सब्जेक्ट है तो अंकल मेल होते हैं यानी पुरुष होते हैं, तो उसके लिए ही सेकेंड सब्जेक्ट लगा देंगे, और इज है तो यहां भी हम कैन नॉट, अब केवल बच गया वर्क, यानी माई अंकल इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क. तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से रिमूव टू का चारों सेट में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको मैंने एक्सप्लेनेशन सहित यहां सॉल्व कर दिया. मुझे लगता है कि रिमूव टू से रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे निश्चित रूप से आप उसको सॉल्व कर लेंगे. आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा. थैंक यू. चलिए फिर मैं अगले टॉपिक लेकर के आप लोगों के लिए हाजिर होऊंगा.